Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. Genetics में आज हम सबसे पहले कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे. मैं सबसे पहले आपके सामने जो MCQ आ रहा है, क्रॉस बिटवीन टॉल हेटरोजाइगस पी प्लांट, व्हाट वुड बी द फीनोटाइपिक रेशियो इन द F1 जनरेशन. अब जब क्रॉस करवाया जाएगा टॉल हेटरोजाइगस पी प्लांट का, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको. सो क्वेश्चन क्या है, टॉल हेटरोजाइगस पी प्लांट है, तो इसका मतलब ये इस तरीके की इसकी जीनोटाइप होगी. टॉल हेटरोजाइगस है तो दोनों ये F1 जनरेशन है, इसमें ये गैमेट्स बने लाइक दिस वन, और उसके बाद क्रॉस करवाया गया लाइक दिस वन, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे सामने. तो क्या रिजल्ट आया जी, 3:1. तो ये पूछा क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है, तो ऑब्वियसली फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1. 3 जो है वो टॉल है और 1 जो है वो स्मॉल है. नेक्स्ट देखते हैं, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस. एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो F2 प्रोजेनी में क्या फिनोटाइपिक रेशियो आएगी, डाई हाइब्रिड क्रॉस के. तो ये हमने स्टडी किया हुआ है, लेकिन इसको अब मैं इस तरीके से आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ. तो ये देखिएगा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एफ जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें F1 में, या F2 की बात कर लें, F2 इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आता है, उसकी जो फिनोटाइपिक रेशो आती है वो 3:1 आती है. तो अगर हमने किसी भी, अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्वाट्रा हाइब्रिड क्रॉस हो गया, तो इसी 3.1 को आपने याद रखना है. अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 3.1 को 3.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्राई हाइब्रिड 3.1. अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9, 3 3 9, 3 1 3 1 3 3 एंड 1 1 1. तो ये रेशो आ गई डाई हाइब्रिड क्रॉस में, फिनोटाइपिक रेशो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट MCQ. जीनोटाइपिक रेशो ऑब्टेन्ड इन अ मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस इज. तो ये ऑप्शंस हैं हमारे सामने, तो इसमें पहले हम इसको अब देखेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर अब आप फाइंड आउट करेंगे जीनोटाइपिक रेशियो, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ये वाली आती है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम सेम उसे उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 1:1, 1:2, 1:1, 2:2, 2:4, 2:2, ये 2 आ गया, उसके बाद अगेन 1:2 एंड 1. तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1:2, 2:4, 1:2, 1:2, 1. तो 1, 2, 2, 4 इकट्ठा कर दें और 1, 2, 1, 2, 1 इकट्ठा कर दें. तो ये ऑप्शन कौन सी बन रही, ये ए ऑप्शन बन रही है. तो जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, डाई हाइब्रिड मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो बनेगी अल्फा. सो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, द परसेंटेज ऑफ ए बी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए ए बी बी पेरेंट विल बी. तो अब इसमें से हमने ए बी गैमेट्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो गैमेट्स जो हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में को याद भी किया, ठीक है,
इसको स्टडी भी किया, डिस्कस भी किया। तो गैमीट्स जो हैं इसको याद रखना है आपने कि किस तरीके से हम इसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि टू कोएग्जिस्टिंग अलील में से एक अलील ने लाजमी आना है गैमीट्स के अंदर। तो इसमें से ये गैमीट आ गई, इसमें से यहाँ से मैं ये इसको लिख लेता हूँ, इसमें से ये ए आ गया तो यहाँ से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, इसमें से ये ए आ गया तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करता हूँ, इसमें से ये ए आ गया तो यहाँ पे इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो अब कितनी परसेंटेज है इस ए बी की? ऑब्वियसली ऑब्वियसली 25%। तो द आंसर इज बीटा। अब इसी से रिलेटेड मैं अब आपको एक इसका ट्रिक बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि इसके गैमीट्स कितने बनेंगे, हाउ मैनी गैमीट्स विल बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी गैमीट्स, तो इस जीनोटाइप से कितने गैमीट बनेंगे। तो इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है, 2 × n, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब इसमें आपने हेट्रोजाइगस गिनने, 1, 2, 3, दो तीन हेट्रोजाइगस हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 × 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भला, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको किस तरह करना है अब वो भी देख लें। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 ये 4 आ गया और ये 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये आसानी से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, तो क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन आउट। सो आपने इसमें गौर करना है, टॉल और राउंड की बात हो रही है, अल्फा ऑप्शन में भी डोमिनेंसी आएगी, बीटा ऑप्शन में भी डोमिनेंसी आएगी, चार्ली ऑप्शन में डोमिनेंसी नहीं आएगी, डेल्टा ऑप्शन में भी डोमिनेंसी आएगी। तो आप चार्ली ऑप्शन इसमें से ऑड है, इन्हीं के सबसे डिफरेंट है, तो इसका आंसर आएगा चार्ली। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। प्रॉपर्टीज में देखेंगे सबसे पहले, नो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, यानी कि जो कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं उसमें कोई भी डिस्टिंक्ट यानी कि वाजे कैटेगरी कोई नहीं होती, जबकि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में जो है ना डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होती हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन में नो लिमिट इन द वैल्यू, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में नो इन बिटवीन कैटेगरीज, ये भी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। कंटिन्यूस वेरिएशन टेंड्स टू बी क्वांटिटेटिव होती हैं और डिसकंटिन्यूस जो हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं। एग्जाम्पल देखें कंटिन्यूस वेरिएशन की तो फिर आपको समझ आ जाएगी, जैसे हाइट है, हाइट अब इसमें कोई डिस्टिंक्ट कैटेगरी नहीं है कि जो है ना उसकी यही स्पेसिफिक एक हाइट होगी, इसमें कोई वैल्यू की लिमिट नहीं है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 7, 4, इस तरह की इसकी डिफरेंट जो हाइट्स हैं वो हो सकती हैं। इसी तरीके से वेट है, इसी तरीके से हार्ट रेट है, इसी तरीके से फिंगर की लेंथ है, इसी तरीके से लीफ की लेंथ है। अब डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में एग्जांपल देखें, टंग रोलिंग, या तो टंग रोल होगी या नहीं होगी, या तो टंग रोलर्स होंगे या नहीं होंगे, फिंगर प्रिंट्स हैं उसमें भी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, आई कलर है ब्लू ब्लैक ग्रीन, ब्लड ग्रुप्स हैं, चार ही हो सकते हैं, कोई दरमियान में नहीं हो सकता, ए बी ओ एंड ए बी। तो इसी तरीके से इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है कंटिन्यूस वेरिएशन की वो लाइन ग्राफ पे होती है, और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बार ग्राफ से शो किया जाता है। जो कंटिन्यूस वेरिएशन है डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ लॉट ऑफ जीन एंड एनवायरनमेंट, इसमें रेंज ऑफ फिनोटाइप बिटवीन टू एक्सट्रीम्स आती है, जैसे हाइट इन ह्यूमंस। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को फ्यू जीन्स कंट्रोल करती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ फिनोटाइप्स होते हैं इसमें, विद नो इंटरमीडिएट्स, AB एंड O ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस, अब इसके दरमियान में कोई और ब्लड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो ये डिफरेंस था कंटिन्यूस वेरिएशन का और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। हीमोफीलिया डेट इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव
ट्रेट, यानी कि ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है इसकी जीन और अलील, और ये रिसेसिव है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब हीमोफीलिया की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हीमोफीलिया की थ्री टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। अब हीमोफीलिया जो ए है, डैट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मैलिटी इन फैक्टर 8। बी इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस, दीज आर द लाइन्स ऑफ योर बुक, डिस्टर्बेंस इन फैक्टर 9। एंड दिस वन सी इज ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11। तो इसको आपने याद रखना है कि एबनॉर्मैलिटी से ये होता है फैक्टर 8 की। अब 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। उन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में अगर फैक्टर 8 में एबनॉर्मैलिटी आ जाए, इट मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट स्पेसिफिक बेस। फैक्टर 9 में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए, कोई भी किसी भी किस्म की म्यूटेशन हो सकती है। फैक्टर 11 में अगर रिडक्शन आ जाए, इट मींस के रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, वन बेस इज मिसिंग, तो ये फैक्टर 11 में होता है। फैक्टर 11 में प्रॉब्लम होगी तो हीमोफीलिया सी, फैक्टर 9 में प्रॉब्लम होगी तो हीमोफीलिया बी, फैक्टर 8 में प्रॉब्लम होगी तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। और इसी तरीके से अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। 80% जो हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं वो हीमोफीलिया ए होता है उनमें, 20% में हीमोफीलिया बी होता है, और लेस देन 1% जो है वो हीमोफीलिया सी होता है। हीमोफीलिया ए और जो बी है ये नॉन एलीलिक सेक्स लिंक्ड होते हैं, और सी जो है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं। नॉन एलीलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड का मतलब कि इनके जो लोकाय हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सी हीमोफीलिया सी होता है। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आप पहले ये डिस्कस करेंगे नॉर्मल जो ट्राईक्रोमेटिक कलर विजन होता है। ट्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं, वो थ्री प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो होते हैं जी, थ्री प्राइमरी कलर्स आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो ये थ्री जो है ना वो प्राइमरी कलर्स हैं, और इन्हीं थ्री प्राइमरी कलर्स जो हैं ये डिफरेंट कौन सेल्स होते हैं जो इस पे बेस करते हैं, और कौन सेल्स के अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम ऑप्सिन्स कहते हैं। रेड और ग्रीन ऑप्सिन्स जो हैं वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती हैं, जबकि ब्लू ऑप्सिन्स आर प्रेजेंट इन ऑटोसोम नंबर 7। अब देखेंगे इसकी टाइप्स। तो टाइप्स में सबसे पहले इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती है ऑन द बेस ऑफ द कलर विजन। अब एक होते हैं डाइक्रोमेट, या वी कैन से एक होते हैं मोनोक्रोमेट, और एक होते हैं डाइक्रोमेट। अब जो मोनोक्रोमेट है, जो मोनोक्रोमेट होता है, ये परसीव करते हैं वन कलर, ये परसीव कर सकते हैं वन कलर ओनली, एक ही कलर को परसीव करेंगे, और इसी को ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, दैट इज द ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। और इसमें जो ब्लू कलर की को परसीव करना है, इसको कहते हैं हम ब्लू कॉन मोनोक्रोमेंसी, मोनोक्रोमेंसी
ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, दिस इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ब्लू कॉर्न मोनोक्रोमेसी, जिसमें ब्लू कलर को परसीव कर सकते हैं और रेड और ग्रीन कॉर्न सेल्स इसमें एब्सेंट होंगे। तो इसमें कौन सेल्स एब्सेंट होंगे? रेड एंड ग्रीन जो कॉर्न सेल्स हैं ये दोनों इसमें एब्सेंट होंगे। तो ये मैं मेंशन इसलिए कर रहा हूँ, रेड ग्रीन कॉर्न सेल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना मोनोक्रोमैट कहते हैं, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको दिया जाता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जो ये होती ब्लू कॉर्न मोनोक्रोमेसी। और इसके बाद देखते हैं हम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट ऑब्वियसली जो परसीव कर सकते हैं, जो परसीव करेंगे ऑब्वियसली टू कलर्स को, इसलिए इसको डाइक्रोमेट कहा जाता है, दो कलर्स को परसीव कर सकते हैं और एक कलर को परसीव नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ऑप्शंस जो होंगी वो मिसिंग होंगी। इसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें आ गया प्रोटेनोपिया, उसके बाद है ड्यूटेरोनोपिया, ट्राई टेनोपिया, ट्राइटेनोपिया। अब जो प्रोटेनोपिया है डेट इज रेड ब्लाइंडनेस, ये रेड ब्लाइंडनेस है जो है। ट्यूटेनोपिया ये ग्रीन ब्लाइंडनेस है, ग्रीन ब्लाइंडनेस, इसका मतलब है कि ग्रीन कलर को ये परसीव नहीं कर सकते। और जो ट्राइटेनोपिया है दैट इज़ दी ब्लू ब्लाइंडनेस, इसका मतलब ये ब्लू कलर को रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये चीज़ आती है कि सम पीपल, अब इसमें एक आता है कि कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो शेड्स को डिटेक्ट करते हैं, रेड एंड ग्रीन को, लेकिन उसके अल्टर्ड शेड्स को डिटेक्ट करते हैं, उनके अंदर ना एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं लेकिन वो फंक्शनल होती हैं, सो उनको स्पेसिफिकली ये कहा जाता है। तो जो ये फिर मैं आगे नाम लिख रहा हूँ, प्रोटेनोमैलस एंड ड्यूटेरोनोमैलस, प्रोटेनोमैलस एंड ड्यूटेरोनोमैलस। अब ये जो हैं ये रिलेटिव शेड्स को ये डिटेक्ट करते हैं, रिलेटिव शेड्स ऑफ रेड एंड ग्रीन, एबनॉर्मल पार्शली फंक्शनल ऑप्शंस। तो इनके अंदर एबनॉर्मल पार्शली फंक्शनल ऑप्शंस मौजूद होती हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर ब्लाइंडनेस। इसकी और हीमोफिलिक की जो पेडिग्री है वो सेम है, और इसको अब हम डिस्कस करेंगे बाय डिफरेंट क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, कलर ब्लाइंड मदर एंड नॉर्मल फादर वुड हैव। अब इसको सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से,
मदर कलर ब्लाइंड मीन्स के उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे कलर ब्लाइंड की जो अलील है वो प्रेजेंट होगी लाइक दिस. और फादर इज़ नॉर्मल. अब फादर के नॉर्मल है तो नॉर्मल इज़ शोइंग बाय दिस कैपिटल सी. अब इसमें गैमीट्स बनेंगे सबसे पहले लाइक दिस, और इसी तरीके से इसमें लाइक दिस, और ये वाई आ गया लाइक दिस. इसमें अब होगी क्रॉसिंग, ये बन जाएगा लाइक दिस, और दिस वुड बी दिस वन. तो ये रिज़ल्ट क्या आया जी? रिज़ल्ट ये आया कि मदर इज़ कैरियर, जो फीमेल आई इसमें से वो कैरियर है, और जो मेल आया डेट इज़ कलर ब्लाइंड. तो मेल इज़ कलर ब्लाइंड. तो ये आंसर देखेंगे अब हम कि इसमें कलर ब्लाइंड सन्स हैं और नॉर्मल कैरियर डॉटर्स हैं, तो अल्फा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हुज फादर इज कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी हुज मदर इज डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन, देयर चिल्ड्रन विल बी. अब एक पर्सन है जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, वो मैरी करता है एक लेडी से हुज मदर इज डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन. तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि इसमें मदर का लिखा होगा कि वो डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन है, तो इसका मतलब कि वो जो मदर है जो फीमेल है डैट इज़ कैरियर, वो कैरियर है. अब दूसरा है कि हुज फादर इज़ कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी. अब जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, पर्सन हुज फादर इज़ कलर ब्लाइंड मैरीज अ लेडी. अब इसमें जो हम मेल करेंगे, जो मेल इसमें कंसिडर किया जाएगा, वो मेल किया जाएगा जो कि होगा नॉर्मल. क्यों? क्योंकि अगर फादर कलर ब्लाइंड होगा तो फादर का जो एक्स होगा, जो फादर का एक्स होगा वो एंटर होगा फीमेल में, मेल के अंदर. अब एक पर्सन है इसका फादर कलर ब्लाइंड है, फादर कलर ब्लाइंड है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन नॉर्मल है जिसके साथ उसका. अब फादर इसका कलर ब्लाइंड है तो डैट मेल इज नॉर्मल, क्योंकि उसका एक्स किस में जाना है? फीमेल में जाना है, तो वो नॉर्मल है. वो मैरी अ लेडी हुज मदर इज़ अ डॉटर ऑफ ए कलर ब्लाइंड मैन, तो वो कैरियर हो गई. अब इसका जब हम क्रॉस करेंगे तो इसमें हमारे पास इसके दो तरह के गैमेट्स आएंगे लाइक दिस, और सेम इज़ द केस विद दिस वन. इसमें जब इसको क्रॉस करवाया जाएगा तो ये आ गई नॉर्मल फीमेल, ये आ गया नॉर्मल सन, दिस विल बी करियर डॉटर एंड दिस विल बी कलर ब्लाइंड मेल. तो इसमें क्या कंसिडर हो रहा है? अब ये नॉर्मल और करियर, यानी कि हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये नॉर्मल डॉटर्स हैं, डॉटर्स हैं वो नॉर्मल हैं, और ये केस में, जबकि सन्स में कुछ सन्स नॉर्मल हैं और कुछ सन्स जो हैं वो कलर ब्लाइंड हैं. तो डॉटर में ये नॉर्मल है, दिस वन इज़ नॉर्मल, दिस वन इज़ कैरियर, दिस वन इज़ नॉर्मल मेल एंड दिस वन इज़ कलर ब्लाइंड मेल. तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? द बीटा ऑप्शन. इसमें सम सन्स नॉर्मल एंड सम कलर ब्लाइंड. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पे बहुत दफ़ा आ चुके हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफ अ नॉर्मल कपल हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक वाइल हाफ द डॉटर्स आर करियर्स. अब एक नॉर्मल कपल है लेकिन उसके हाफ़ जो सन्स हैं वो हीमोफिलिक हैं और जो हाफ हैं डॉटर्स वो करियर्स हैं. तो द जीन इज़ लोकेटेड ऑन. तो इसको हमने ना अब फाइंड आउट करना है इस तरीके से कि एक नॉर्मल कपल है, यानी कि कपल में कोई कलर ब्लाइंड नहीं है, तो इसका मतलब है
फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके एक्स क्रोमोसोम पे, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जो है वो, अभी हीमोफिलिक की बात हो रही, सो इसको फाइंड आउट करेंगे अब इस तरह के, जो फीमेल है उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम में हीमोफिलिक जीन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, फिर वो हीमोफिलिक होगी। तो वो नॉर्मल है, और मेल जो है वो ऑब्वियसली उसके एक क्रोमोसोम पे नॉर्मल जीन होगी तो वो नॉर्मल ही होगा। अब इसमें दो तरह के गेमीट्स बनेंगे लाइक दिस, और इस तरीके से इसके इस तरीके से गेमीट्स बनेंगे। जब होगा क्रॉस तो ये आएगा ऐसे लाइक दिस वन। अब हमने ये बताना है कि कौन से क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम ये रिज़ल्ट निकाल रहे हैं जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये देखो, दैट इज़ नॉर्मल फीमेल, दैट इज़ नॉर्मल मेल, दैट इज़ कैरियर फीमेल, दैट इज़ हीमोफिलिक मेल। तो क्या था, हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक और हाफ द डॉटर्स आर कैरियर्स। तो इसका मतलब जीन किधर प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, और एक्स क्रोमोसोम किसके एक्स क्रोमोसोम में, वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। तो ये चार्ली ऑप्शन आएगा, वन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि म्यूटेशंस क्या होते हैं। म्यूटेशंस एज वी नो कि वो चेंजेस होती हैं डीएनए में। अब इसमें आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है पॉइंट म्यूटेशन की और उसकी टाइप्स हैं। पॉइंट म्यूटेशन होता है, इसमें चेंजेस हो इन वन और अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल, द फैट कैट एट द रैट। अब इसमें फैट कैट की जगह हैट हो जाए, यानी कि सी की जगह ईच लग जाए, अगर एक बेस यहाँ से सब्स्टिट्यूट ही हो गई है तो सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, मैसेज ही चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से इंसर्शन है, इंसर्शन में द फैट कैट एट द रैट। अब इसमें कोई स्पेसिफिक जो बेसिस हैं वो ऐड हो जाएंगी, द फैट कैट एक्स एल डब्ल्यू एट द रैट, यानी कि बेसिस ऐड हो गए। इसी तरीके डिलीशन है, डिलीशन क्या है, द फैट कैट एट द रैट, इसमें डिलीट हो जाएगा द फैट एट द रैट। अब इसमें सी ए टी कैट ही अगर जो है वो डिलीट हो गया, यानी कि अगर स्पेसिफिक जो बेसिस हैं वो डिलीट हो गई तो मैसेज जो है वो चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से एबनॉर्मल जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, एबनॉर्मल कंपाउंड्स बनते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशंस जो हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ, इसको देखिएगा आप। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशंस, कुछ होते हैं, मोस्ट जो होती है ना म्यूटेशंस वो न्यूट्रल होती हैं, और सम जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं म्यूटेशंस। अब जो न्यूट्रल होती हैं उसमें आते से आई कलर है, पेरेंट्स का कोई और कलर होगा, बच्चों के अंदर कोई और कलर आ जाएगा, बर्थ मार्क्स जो हैं वो बच्चों के अंदर डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। कुछ हार्मफुल हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हार्मफुल होता है, हार्मफुल म्यूटेशन है, और इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम हार्मफुल म्यूटेशन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस यूनिट्स में। इसी तरीके से अब ये म्यूटेशन के कॉजेज देखते हैं। कॉजेज क्या हैं, म्यूटेशन इनहेरिटेड हो सकती हैं और म्यूटेशन एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। एक्वायर्ड मींस जो एनवायरनमेंट से ली जा सकती हैं, इसमें एनवायरमेंटल डैमेज है एक्वायर्ड के अंदर, एनवायरमेंटल डैमेज मिस्टेक्स ड्यूरिंग DNA replication. तो these are the causes of specific जो mutation हैं, उसके जो causes हैं उसमें inheritance है और
एक्वायर्ड में इन्वायरमेंटल डैमेज है या मिस्टेक्स हो जाएँ इनके ड्यूरिंग द री एनर एप्लीकेशन, तो उससे भी म्यूटेशन जो है वो हो सकती है। कम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आर एफ से इसको रिप्रेजेंट किया गया इज इक्वल टू रिकम्बिनेशन टाइप्स ओवर सम ऑफ ऑल कम्बिनेशंस। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन्स। जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन है इसको यूनिट मैप डिस्टेंस भी कहा जाता है। आप ये इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट मैप डिस्टेंस है वो 1 यूनिट अपार्ट। इसका मतलब जैसे आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर ये 20% है तो इसका मतलब है यूनिट मैप डिस्टेंस जो है ना वो 20 यूनिट्स अपार्ट है। इसका मतलब ये कि अगर एक ये जीन है ए और अगर ये जीन है बी, अब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई है 20%, तो इसका मतलब ये 20 यूनिट्स अपार्ट होंगे यानी कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स अपार्ट होंगे। आप इसको इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं 20 यूनिट्स अपार्ट 20 न्यूक्लियोटाइड्स अपार्ट। तो ये है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दैट इज आल्सो नोन एज क्रॉसओवर, इसको क्रॉसओवर भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो उसमें रिकम्बिनेशन टाइप्स गिवन होंगी, इतनी टाइप्स हैं इतने इसके ऑल कम्बिनेशन है तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ये भी पूछा जा सकता है अगर कम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी इतनी है तो आपने अब यूनिट मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो इससे ही आपने फाइंड आउट कर लेना है कि उतने ही यूनिट मैप डिस्टेंस होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।